हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से फर्स्ट पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ रिटन बाय सरली टॉलसन. बिफोर स्टार्ट एज यूजुअल आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. लेट्स स्टार्ट योर पोयम. तो जैसे ये पोएम का नेम ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पोएम है एक फोटोग्राफ के ऊपर लिखी गई है. ये फोटोग्राफ जो है पोएट की मदर की थी और उसकी जो मदर है जब वो लाइफ में थी तो अपनी ये फोटो देख के बहुत खुश हो जाया करती थी. और आज जो पोएट है उसकी मदर जो है वो लाइफ में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है. और जो पोएट है वो अपने आप को अकेला महसूस करती है और अपने जो दुखी उसके इमोशंस हैं माँ के खो जाने का उसको जो दुख है उसने अभी इनको जो है शब्दों का रूप जो है वो दे दिया है. अभी हम आपकी पोएम के जो लाइन्स देखेंगे जो पोएट ने लिखी है. तो इन लाइन्स में जो पोइट है वो बताती है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग. कि जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड यहाँ पे मीनिंग वो थिक पेपर जिसके ऊपर जो फोटो को लगाया गया होता है, वो थिक पेपर जो फोटो को होल्ड करके रखता है. कि ये पोइट को क्या शो कर रहा है कि जब उसकी मदर जो अपनी कजन्स के साथ कहाँ जाती है, पैडलिंग पे. तो पैडलिंग जहाँ मतलब समंदर के कम पानी में जो नंगे पांव चलना. तो आगे वो क्या बता रही है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. तो इन लाइन्स में जो पोइट बोलती है कि जो दोनों उनकी कजन थी उन्होंने उनकी मदर का जो हैंड है वो पकड़ा हुआ है और तब उनकी मदर्स की जो एज है वो अराउंड 12 ईयर होगी, 12 साल जो कुछ, तो वो उनसे थोड़ी सी जो है बड़ी है. तो इसके आगे पोइट फिर बोलती है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. कि ये जो फोटोग्राफ है ये उनके अंकल ने वहां पे क्लिक की थी और तब उनकी जो हेयर है वो हवा में उड़ रहे हैं और उनका जो स्माइली फेस है वो बालों में से दिख रहा है. और इसका मतलब ये है कि वहाँ बीच पे तब बहुत तेज हवा जो चल रही होगी. तो इसके आगे जो पॉइंट बोलती है अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. तो जी उसको अपनी मदर का जो बहुत स्वीट फेस अपनी बेटी को लग रहा है कि मेरी माँ तब बहुत ब्यूटीफुल थी जब जो है पॉइंट का जन्म नहीं हुआ था क्योंकि तब उसकी मदर तो 12 साल की थी. तो अब जो उसकी बेटी है वो इस फोटो को देख के हुए अपनी माँ की यादों को याद कर रही. तो आगे जो पॉइंट लिखती है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस मीन्स कि जो समंदर है वो अभी भी क्या है, बदला नहीं है, जो ऐसे लगता है कि जो चेंज नहीं हुआ. वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. तो किनके पांव धो रहा है वो, ट्रांजिएंट फीट. यहाँ पे कोई टेरिबल जो है वो भयंकर यहाँ पे मतलब नहीं है. तो यहाँ पे वो मतलब है कि शॉर्ट लिव्ड, यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो शॉर्ट लिव्ड है, यानी उनकी डेथ जो है वो जल्दी हो जाती है. और जो समंदर है वो हजारों करोड़ों साल जो है वो चलता है. तो ये क्या उनकी मदर्स के जो जल्दी खत्म हो जाने वाले पाँव हैं उनको वो धो रहा है. तो इसके आगे जो पॉइंट लिखती है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी इस फोटोग्राफ के 20 या 30 ईयर्स के बाद, यानी उसकी मदर्स की तब भी जो एज थी वो 12 ईयर्स थी. अभी अगर 20 भी लगाते हैं तो तब भी कितने हो जाते हैं, 32. और अगर हम 30 और 12 को प्लस करते हैं तो लगभग 42 ईयर्स लेटर शीड लाफ एट द स्नैपशॉट. यानी कौन अपनी फोटो पे हंसता था, उसकी मदर. उनकी मदर जो इस फोटोग्राफ पे हंसती हुई अपनी बेटी को क्या बताती थी, शी बेटी एंड डॉली सीट से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. तो अपनी बेटी को क्या बता रही है कि ये बेटी है और दूसरी साइड उसके कौन है, डॉली है. और इनकी ड्रेस सेंस देख के वो हंस पड़ती थी. तो आज भी अगर हम भी कोई अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो हम भी अपनी पुरानी ड्रेस सेंस को देख के हंस पड़ते हैं. तो वो उनकी ड्रेस सेंस को देख के हंस रही है कि वो किस तरीके से जो बीच पे जाने के लिए तैयार थी, वो तैयार हुई थी.
फिर जो अगली लाइन देखनी है हमने, कितनी दुख भरी ये लाइन है, द श्री हॉलीडे वॉज हर पास्ट, यानी जो समंदर पे वो छुट्टियां मनाने गए थे तो वो क्या था, उसकी मदर का पास्ट था, वो बीता हुआ समय था। तो उसके आगे अपने उसकी बेटी क्या याद करिए, माइन इज हर लाफ्टर। तो पोइट के लिए जो भी क्या पास्ट बन गया है, उसकी माँ की स्माइल, उसकी माँ की हंसी। तो आगे क्या लिखती है, वो थ्राइव विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। तो यहाँ पे पोइट क्या लॉस बता रही है कि जिससे उसकी माँ ने अपना पास्ट जो था, अपना यूथ को खो दिया और अपने एंजॉयमेंट को वो भी याद करती है, उसी तरीके से उसने जो है अपनी माँ को खो दिया है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा क्या है, लॉस है। तो आगे जो पोइट है वो क्या बोलती है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव। तो जैसे हम फोटो पे देखते हैं तो उसकी माँ की जो एज थी तब 12 ईयर थी। तो यहाँ पे जो पोइट बोल रही है कि ये जो लड़की कब से, जो उसकी मदर की डेथ हुई है, जितनी वो उस फोटो में थी, इट मीन्स कि फोटो में 12 ईयर है, तो अभी उसकी माँ को मरे हुए जब ये पोइट लिखी गई है, ये पोएम लिखी गई है, तो कितना टाइम हो गया है, 12 ईयर। तो इन जो लाइन में वो पोइट क्या बोलती है कि इसके बारे में उसको भी कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी माँ को भी मरे हुए जो 12 वर्ष बीत चुके हैं और वहाँ सिर्फ एक खालीपन ही उसको महसूस होता है, खालीपन के अलावा उसके पास और कुछ बोलने को और सुनने को नहीं है। उसने अभी जो क्या किया है, सभी चेतनाओं को समाप्त कर दिया है। इसी के साथ ही आपकी जो पोएम है उसका एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। Thank you.